Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing well. So guys, आज का look एक inspired makeup look होने वाला है, जो कि बुलबुल यानी तृप्ति दिमरी से inspired makeup look है. So she just such a beautiful and amazing, and उन्होंने एक बंगाली रोल अदा किया है. So I just hope कि मैं थोड़ा भी उनके look को recreate करवाऊँ. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है जीवी का ये कोकोनट क्रीम. एंड ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, बहुत ही लाइट वेट है, आप इसे डेली वेयर भी कर सकते हो जो आप घर में रहते हो. अमेजिंग. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, एंड ये लैक्मे की सनस्क्रीन है. सो ये मैं डे में सूट कर रही हूँ तो मुझे लगा कि यूज़ कर लेना चाहिए, तो मैं यूज़ कर रही हूँ. आप अगर नाइट में कैरी कर रहे हो या फिर आप ज़रूरत नहीं समझते तो आप नहीं कर सकते हो. सो या देन मैं अपनी लिप को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ NYBA का लिप बाम लिया है. देन प्राइमर के लिए मैंने यहाँ लिया है लक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर प्राइमर, एंड इसे मैं थोड़ा सा लेके अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से लगा लूँगी, ताकि मेरे पोर्स अच्छे से मिनिमाइज हो जाएं. देन आई जस्ट यूज फाउंडेशन, एंड ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन है. सो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर. देन मैंने यहाँ पे एक फाउंडेशन ब्रश लिया है, एंड मैंने इसे हल्का सा वेट भी कर लिया था. सो इसे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड आप देख रहे हो मैं फाउंडेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ. सो आप भी अपने फाउंडेशन को हमेशा अगर ब्रश से ब्लेंड कर रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लेंड करें. देन मैं अपने नोज एरिया एंड ईयर एरियाज को भी अच्छे से कवर अप करूंगी. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर, एंड मैं इसे अपने अंडर ऑफ द आईज एंड ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज एंड फोरहेड एंड माउथ एरियाज पे. सो देन मैंने यहाँ पे 20 समथिंग का ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने कंसीलर को. एंड ब्लेंडिंग में ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, बट क्वालिटी वाइज इसका जो बहुत ही ख़राब है, ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो रहा है. मैं जब इसे क्लीन करती हूँ तो ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है. मुझे लगता है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, बट ब्लेंडिंग ये बहुत अच्छा कर देता है, ये सही बात है इसकी. देन मैंने यहाँ पर मेकअप रिलेशन का लूज़ पाउडर लिया है, एंड इसे मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी. एंड आपकी भी अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको भी जल्दी से अपने कंसीलर को सेट कर लेना चाहिए. तो मैंने अपने नेक पे भी अच्छे से बचे हुए पाउडर को लगा लिया है. सो यहाँ पे मैंने कॉन्टूरिंग करूँगी, क्योंकि तृप्ति दिमरी मैम का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्लिम था, तो मैं भी अच्छे से कॉन्टूरिंग करूँगी ताकि मेरा फेस भी हल्का सा स्लिम सा दिखे. तो आप देख रहे हो मैं अच्छे से कॉन्टूरिंग कर रही हूँ अपने चिक बोन्स को, फोरहेड को. देन जॉ लाइन को भी मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, एंड नोज को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, और मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकती क्योंकि मेरी नोज तो पकौड़े जैसी है. देन मैं अपने पाउडर को अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी, जो भी एक्सेस पाउडर है. एंड अगर आपको अपना फेस ज़्यादा पाउडर सा लग रहा है तो आप अपने स्पंज से इसे अच्छे से सेट कर लें. देन मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट से ये पीची सा शेड ले रही हूँ फॉर द ब्लश, एंड इसे मैं अपने एप्पल चिक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. देन मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लिया है फॉर माई आईब्रो. सो मैं अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी, देन मैं अप्लाई करूँगी प्रोडक्ट को.
सो अगर आपने मेरा आईब्रो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे आईब्रो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, सो आप जाके उसे देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या देन मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर ऑन माय आईलिड फॉर माय आई शेडो बेस। एंड मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। सो आई लुक में इनका कुछ खास ज़्यादा नहीं था, तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्राउन शेड एंड इसे मैं अपने ओवरऑल आईलिड पे लगा लूँगी। फर्स्टली मैं अपने क्रीज को अच्छे से डेप्थ दे रही हूँ। देन मैंने हल्का सा डार्क किया है अपने कलर को, आप देख सकते हो। देन इन्होंने एक स्मज आई लाइनर ड्रॉ किया था, सो मैं सेम कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ। सो मैं यहाँ ले रही हूँ काजल, क्योंकि उन्होंने एक स्मज आई लाइनर ड्रॉ किया था, सो मैं भी यहाँ काजल से पहले एक बेस दे रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे आईब्रो ब्रश लिया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा मेरा काजल एंड मुझे ईजी होगा उसे ब्लेंड करने में। एंड गाइज, अगर आपकी हुडेड आइज है तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, आपको बस कलर अप्लाई करके छोड़ देना है, क्योंकि आपके ऊपर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हुडेड आइज वालों पे। सो या देन मैं अच्छे से अपने कलर को ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख रहे हो, ताकि कोई हार्श लाइन ना हो। देन मैं एक ब्राउन शेड लेके अपने काजल को अच्छे से शेड कर ले रही हूँ, ताकि ये स्मज ना हो। देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ लोटस का मस्कारा, तो मैं इसे अपने अच्छे से लेस लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। एंड अगर आपका मस्कारा अच्छा है तो आपको फॉल्स लैसेस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे फॉल्स अप्लाई कर ली है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर एंड दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। एंड गाइस, दिस लुक एट द ग्लो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इतने सारे ट्यूटोरियल मुझे पहली बार हाइलाइटर का ग्लो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने इसे अपने अच्छे से हाइलाइटिंग एरियाज पे लगा लिया है। सो इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए जो उनका शेड था वो बिल पिंक न्यूड शेड था, तो मैं भी ये पिंक न्यूड शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये ADS की लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, तो मैं इसी को अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे। एंड ये परफेक्टली मैच कर रहा था उनके लिप शेड से। सो चलिए ड्रेसअप होके आते हैं। सो टेन टेन ये रहा आपके सामने। सो या गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो गाइस। सो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनके लुक तक पहुंच पाऊं। सो या गाइस, आपको लुक कैसा लगा गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है, आप उसे हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो या गाइस, इस तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।